अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ HS1 न्यूज़ चैनल पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बर्लगोड पटेल नगर चेंदिनटुवंटि आकाश अने व्यक्ति ईरोजु सायंत्रं 7 गंटलकु अतापूर्लोनि जाया आस्पत्रिकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तोटि वच्चि आस्पत्रि अड्मिट कावडं चेयडं जरिगिंदि। निन्न सायंत्रं 7 गंटलकु अड्मिट चेशारु। अतनि चिकित्स पोंदुतू रात्रि 8 गंटलकु రాత్రి 11 గంటలకు చనిపోయినారని చెప్పేసి డాక్టర్లు ధృవీకరించారు। దాని మీద అనుమానం తెలుపుతూ అతని తండ్రి రమేష్ యాదవ్ డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యం వల్లనే అతని కొడుకు చనిపోయిందని చెప్పేసి ఫిర్యాదు చేసినాడు। దాని మీద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశారు। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खाजा उसामुद्दीन अत्तापुर वार्ड 61 का जो है वार्ड नंबर हूँ। अभी कुछ देर पहले यानी 9:30 से 10 बजे के दरमियान में जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब को एक कॉल आया कि उनकी दुकान में मटेरियल सप्लाई करने वाला एक लड़का जहाँ से मटेरियल सप्लाई करता था उस बच्चे का डेथ हो गया। कैसा डेथ हो गया बोले तो वो लोग जो है ना अवेशी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करा रहे थे, वहाँ से यहाँ पे जो ही हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कराए। शिफ्ट कराने के दरमियान में जो है ना वो लोग 1,07,000 रुपये ये लोग बिल बने इस दवाखाने में। दवाखाने वालों ने आनंद फानंद में पैसे ले लिए और उसका बिल नहीं दिए। 1,07,000 रुपये जो दिए उसका बिल नहीं दिए। उसमें से 7,000 रुपये का बिल दिए हैं, 1,00,000 रुपये का बिल नहीं दिए। नहीं देने के साथ साथ उसने और एक भी अहम गलती क्या कर रहे हैं वो आप दवाखाने वाले के, वो बच्चा जब मर गया तो वो लोग फोर्सली दूसरे दवाखाने को शिफ्ट करो बोल के बोले। तो उसके वास्ते जो है लोग फिर यहाँ से प्रीमियर हॉस्पिटल कंसल्ट करें। प्रीमियर हॉस्पिटल का जब एम्बुलेंस आया बच्चे को रिसीव करने, पेशेंट को रिसीव करने जब एम्बुलेंस आया तो वो एम्बुलेंस वाले चेक करके वो अटेंडर चेक करके बोले कि ये लड़का डेथ हो गया। वो लड़का डेथ हो गया बोल के वो लोग बोले। लेकिन ये लोग ये हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से वो बच्चे का इंतकाल हुआ, जिससे जो है ना इस बुजुर्ग की कोई औलाद नहीं है, एक ही औलाद है उसको जो है ना कंपेंसेशन मिलना। साफ बात करते करते मजीद तफसीलात के लिए जुड़े रहिए HS1 न्यूज़ चैनल को। सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।